सभी बच्चे अपनी ग्रामर क्लास अटेंड करेंगे. ओके स्टूडेंट, दिस इज योर इंग्लिश क्लास, लाइव क्लास. टॉपिक है हमारा इंग्लिश ग्रामर में फुल फॉर्म्स. तो ये आपका टॉपिक, इसमें है कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जो इनकम्प्लीट हैं, मैंने यहाँ मेंशन किए हैं. तो सभी बच्चे अपनी एक्टिव हो जाएंगे, जल्दी से अपनी क्लास अटेंड करेंगे. ये देखिए कुछ फॉर्म्स हैं जो ये इनकम्प्लीट हैं, आपको उन्हें कंप्लीट करना है. और ये क्लोज्ड हैं, मतलब अंदर ही कुछ फॉर्म्स हैं जो आपको ओपन करके लिखने, फुल फॉर्म कहते हैं जिसे, उसको खोल के लिखना है. क्योंकि जब हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं तो उसे कैसे लिखते हैं, ही इज, जैसे मैंने लिखा ही इज माय ब्रदर, तो क्या होता है कि आपने जैसे कोई चैप्टर पढ़ा होगा या न्यूज़पेपर में या कोई बुक में, तो आप उसमें क्या देखते हैं कि हम जब सेंटेंस को लिखते चले जाते हैं या पढ़ते चले जाते हैं तो उसमें बहुत सारी फॉर्म का यूज होता है, शॉर्ट फॉर्म. क्योंकि उसमें जल्दी जल्दी से या हम लिखते हैं तो हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना ज्यादा ईजी रहता है, क्योंकि हमें कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं लिखने के लिए. तो वो हमें लिखना आना चाहिए, जैसे लाइक ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है. तो इसको मैं शॉर्ट में कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं शॉर्ट में कोमा ऊपर लगाया मैंने, फिर एस लगा दिया, ही इज पूरा ना लिखकर ही इज, ये कोमा ऊपर है, फिर एस बनाया मैंने, ही इज माय ब्रदर. तो मैंने किस चीज का यूज किया, शॉर्ट फॉर्म का यूज किया. लाइक दिस देयर आर मेनी शॉर्ट फॉर्म्स हियर. ठीक है, टुडे नाउ वी I am going to explain you. मैं इसको रफ कर रही हूँ बेटा. आगे आप जो दूसरी फॉर्म से वो देखेंगे ध्यान से. जैसे आप ये देखिए, I ऊपर मैंने लिखा हुआ है कोमा, I ऊपर मैंने क्या लगाया हुआ है, कोमा लगाया हुआ है, उसके बाद सिर्फ मैंने M लिखा हुआ है. तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, इसको फुल फॉर्म क्या बनी इसकी, मैंने I को सेम लिखा I, ठीक है, M, यदि मैं I को M लिखती हूँ तो इसको मैंने, इसको शॉर्ट फॉर्म में इसकी फुल फॉर्म क्या बनी, I am. और यदि मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाना चाहूँ तो मैं वापस इसको पीछे आऊंगी तो क्या बनेगा, I कोमा M. या तो आप फुल फॉर्म है ऐसे लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, दोनों काम मीनिंग सेम निकलेगा. अब ये क्या है, यू आर, यू आर, यू वाई ओ यू लिख कर ऊपर कोमा लगाया, ये देखिए ऊपर कोमा है नीचे, उसके बाद क्या है, R E, क्या है, R E. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, U को मैंने सेम लिखा U, अब देखिए कोमा हम हटा देंगे, कोमा हटा के मैंने क्या लिखा, A R E, U R, U R, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये इसकी, और U R की फुल फॉर्म की शॉर्ट फॉर्म U, लाइक दिस, कोमा लगा के R E लगाना है, A नहीं लिखना है आपको, A हटा के आपको बीच में क्या लगाना है, कोमा लगाना है. ये इतना समझ में आ गया आपको. अब है आगे ही इज, तो ये क्या, ही इज, हम इसको क्या पढ़ेंगे, ही इज पढ़ेंगे, ही इज नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें, क्योंकि बोलने में क्या आएगा, हमारा रिदम आएगा ही इज. तो हम पहले क्या लिखेंगे, ही, अब मैंने कोमा हटा के क्या लिखना है, ही इज को बनाना है फुल फॉर्म, इज, क्या छिपा हुआ है इसमें, इसमें आई छिप, क्या छिपा हुआ था, आई छिपा हुआ था इसमें, ठीक है. तो ये क्लियर हुआ आपका, ही इज का, ही इज, ही इज बना, लाइक सेम लाइक दिस. अब हमें इसका लिखना है शीज, शीज, क्या बोलेंगे इसको, शीज. तो इसको मैंने पहले क्या लिखा, शी, फुल फॉर्म बनेगी इसकी शी, उसके बाद इज, ठीक है, कोमा हटाया मैंने, आई एस लगा दिया, तो ये फुल फॉर्म हो गई. सभी बच्चे जल्दी से एक्टिव हो जाइए बेटा, अभी बहुत कम बच्चों ने अटेंड किए क्लास, बहुत अच्छा टॉपिक है ये आपका. अब कभी कभी आप देखते हैं जब सेंटेंस पढ़ते चले जाते हैं तो उसमें लिखा होता है इट इजंट, इसे क्या बोलने में इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाता है, क्या बोलेंगे इसको, इज इजंट. तो हम इसको फुल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इट को मैं सेम लिखती हूँ, ठीक है, अब इज एन, ये क्या छिपा हुआ है इसमें, इसमें नॉट छिपा हुआ है, एन कोमा टी, क्या छिपा हुआ है इसमें, नॉट, is not, it is not,
इट इज़न्ट, इसको बोलने में क्या आएगा, इज़न्ट, इट इज़न्ट, बट क्या है इसकी फुल फॉर्म में तो बोलेंगे इट इज नॉट। सेम है, दोनों का मतलब एक ही है, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं या शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, वी आर, वी क्या बोलेंगे इसको, वी आर, सभी बोलेंगे वी आर। तो अब सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, वी, देखिए क्या लिखना है, वी, अब कोमा मैं हटा दूंगी, उसके बाद ए आर ई, ये कंप्लीट हुआ, वी आर, ए आर ई आर, चाहे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, यदि फुल फॉर्म में लिखना है तो वी पूरा लिखेंगे, वी ए आर ई आर, ये क्लियर हुआ आपका। अब यू आर, यू आर, तो यू हमने लिखा यू, ठीक है, कोमा हटाया मैंने, इसकी जगह ए लिखा, आर ई, यू आर, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये क्लियर हुआ आपका। अब हमें आगे चलते हैं, हम दे और, दे और, तो हम दे लिखेंगे, उसके बाद ए आर ई, क्या छिपा हुआ था इसमें, ए, क्या छिपा हुआ था बच्चों, ए, ए आर ई आर, ओके। नाउ ये है हमारा शॉर्ट फॉर्म वाला, ये है हमारा फुल फॉर्म वाला। अब देखिए इसमें वी कोमा वी ई, तो इसमें क्या छिपा हुआ है, इसमें वी, ये थोड़ा वी ए आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा, इसमें ये है हमारा वी हैव, क्या बना, वी हैव, एच ए मैंने हटा दिया, एच ए इसमें हाइड है, छिपा हुआ है, कोमा वी ई, ये शॉर्ट फॉर्म है, वी हैव, वी हैव, ये फुल फॉर्म है इसकी। तो इतना आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं, इसी तरीके से हम सेम, चलिए आगे चलते हैं, ये दे, टी एच ई वाई दे, वी ई, ये देखिए दे कोमा वी ई, तो इसे फुल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो मैं लिखती हूं दे हैव, क्या बना हमारा, दे हैव, दे हैव, दे हैव, ये क्लियर हुआ आपका। अब आगे चलते हैं, कुछ आता है आपका इस तरीके के फॉर्म्स आते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हैज एन कोमा टी, देखिए कुछ इस तरीके से आते हैं आपको, कभी आपने जब रीडिंग करी होगी तो आपने कुछ ऐसे फॉर्म देखे होंगे, हैज लिखे एन कोमा टी देखा होगा, तो इसको क्या लिखते हैं, अगर हमें कोई फुल फॉर्म लिखने के लिए बोले या पूछे तो क्या बोलेंगे, है इसमें नॉट छुपा हुआ है बेटा, हैज नॉट, क्या फुल फॉर्म है इसकी सभी बताएंगे, यस हैज नॉट, हैज नॉट, क्लियर। नेक्स्ट अब देखिए, चलिए हम उल्टा चलते हैं, मैं यहां लिख देती हूं डू नॉट, इसकी फुल फॉर्म बनाए, अभी तक तो मैं शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म बना रही थी, अब फुल फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म पर आते हैं, चलिए फुल फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म कैसे बनेगा डू नॉट का, बताइए, ये जो डू है ये मैंने सेम लिखा डू, ठीक है, नेक्स्ट एन, बताइए आगे कैसे लिखेंगे इसको, एन ओ को नहीं लिखेंगे, ओ की जगह हमने क्या लगाया कोमा फिर टी, देखिए या हम इसको मिला के भी लिख सकते हैं इस तरीके से, देखिए डू एन कोमा टी, ओ को हम नहीं लिखेंगे, ओ की जगह हमने लगा दिया कोमा, कोमा का यूज किया डोंट, तो हम इसे क्या पढ़ने में क्या जब हम रीडिंग करते हैं तो क्या बोलते हैं डोंट, और अगर हम फुल फॉर्म लिखते हैं तो हम क्या बोलेंगे इसको डू नॉट, क्या बोलेंगे डू नॉट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, इसी तरीके से मैं लिखती हूँ कांट, सी ए एन, सी ए एन कोमा टी, बताइए इसकी क्या फुल फॉर्म बनेगी, यस वेरी गुड, बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं मुझे, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी नाइस, बच्चे जवाब दे रहे हैं, गुड, तुलसी शर्मा, गुड बेटा, तुलसी एंड
प्रतीक, बहुत बच्चे जवाब दे रहे हैं मुझे, कैन नॉट, कैन नॉट, क्या बना इसका? देखिए कैन तो लिखा और इसमें क्या लिखा हुआ है, नॉट आगे, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम, कैन नॉट। यदि हम आगे इसको इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखे तो क्या बोलेंगे, कांट, क्या बोलेंगे, कांट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा हमारा बोलने का स्टाइल बदल जाता है, ठीक है, बोलने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, फुल फॉर्म का बोलने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, बोथ आर डिफरेंट। नाउ नेक्स्ट, अब एक चलते हैं, कुड, सी ओ यू एल डी, कुड, एन कॉमा टी, बताएंगे सभी, सी ओ यू एल डी एन कॉमा टी, आप रीडिंग करते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से लिखा हुआ कभी कभी रीडिंग में, तो आप इसको कैसे फुल फॉर्म में लिखेंगे हम, देखिए मैं कुड को सेम लिखूंगी, सी ओ यू एल डी, कुड, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें ओ छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, ओ, एन कोमा टी, तो हम कोमा हटा देंगे, नॉट लिख देंगे, सिंपल। देखिए क्या बना, कुड नॉट, कुडंट, कुड नॉट। ओके बेटा, सभी बच्चे इसे अटेंड करेंगे, आई होप कि ये क्लास आप दोबारा से इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा, इसी तरीके से आपकी नीड नॉट, नीड नॉट, क्या बना इसका, नीडंट का, नीड नॉट, गॉट इट, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरीके से हम जो हमारी फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म हम बना सकते हैं, इससे हमारी रीडिंग भी अच्छी होगी और हमें पता चलता है कि फुल फॉर्म से हमें क्या क्या, जो हम राइटिंग वर्क करते हैं तो हमारा राइटिंग वर्क भी ईजी हो जाता है, तो हमें ये समझना चाहिए, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके सब बच्चे समझ गए होंगे, थैंक यू बेटा, ओके।